हेलो पीपल वेलकम टू द न्यू सेशन वी विल नाउ टेक अ लुक ऑन हाउ टू वर्क विद टैब डॉक्यूमेंट्स इन फोटोशॉप सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास तीन डिफरेंट इमेजेस हैं एंड अगर मुझे इसे फोटोशॉप में ओपन करना है आई कैन सिंपली सेलेक्टेड इदर वन बाय वन और आई कैन क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट थ्री ऑफ दम एंड नाउ आई प्रेस एंटर एंड आप देखोगे फोटोशॉप में ओपन हो गई एंड ऑल्सो यू विल सी कि जब हम एक से ज़्यादा इमेजेस ओपन करते हैं तो वो अपने आप टैब हो जाते हैं टैब मीन्स यू सी दिस इज द फर्स्ट इमेज दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड तो मीन्स यहाँ पे ये टैब हो गई जैसे कि हम जब किसी ब्राउजर में करते हैं जब हम उसमें न्यू विंडो ओपन करते हैं न्यू टैब ओपन करते हैं तो वो एक के आगे एक ओपन होता है सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ये टैब फॉर्म में आती है फाइन नाउ अगर आपको इसे री ऑर्डर करना है लाइक अगर यहाँ पे जो लास्ट में जो मेरे पास इमेज है वो मुझे स्टार्टिंग में लेके जानी है सो यू कैन सिंपली क्लिक एंड ड्रैग जब मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो आप देखोगे मुझे जिस भी पोजिशन पर इसको करना है प्लीज़ मैं वहाँ पर जाके माउस लीव कर दूंगी अब यू कैन सी वो लास्ट भी थी एंड नाउ इट इज़ कम आउट द फर्स्ट फाइन सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो गए आपको विंडो फ्लोट करनी है लाइक इफ़ आई क्लिक एंड ड्रैग इट आउट तो आप देखोगे जब मैं इसे बाहर ड्रैग करूंगी तो ये विंडो अब इनके साथ टैब नहीं है जबकि अलग फ्लोट हो रही है फाइन सिमिलरली यू कैन डू दिस टू ऑल द विंडोज आप चाहो तो सारी विंडोज़ को फ्लोट करवा सकते हो ऑल्सो आपको इसी दो जैसे कि यहाँ पे ये भी विंडो फ्लोट हो रही है एंड ये भी विंडो फ़्लोट हो रही है तो आप किसी भी दो विंडोज़ को ग्रुप भी कर सकते हो लाइक इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एंड देन जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगी जब आप जब आपको ये कॉर्नर्स में आपको ये ब्लू लाइन दिखेगी तो आप अपना माउस लीव कर सकते हो एंड वो इसके साथ ग्रुप हो जाएगी सिमिलरली यहाँ पे जो दो हैं मैं इसको इसके साथ ग्रुप करा सकती हूँ तो अभी तीनों इमेजेस फ्लोट हो रही हैं बट एक ही ग्रुप में सो आई कैन टेक इट बैक एंड प्लेस इट हेयर आप देखोगे पूरी स्क्रीन पर मेरे पास यहाँ पर जो इमेज एरिया है उसमें ब्लू लाइन आ रही है एंड एज सुन एज आई लीव माई माउस तो ये यहाँ पर फिर से टैब हो जाएंगी फाइन फॉर नाउ अगर मैं यहाँ पर दो विंडोज़ को फ्लोट करवाती हूँ तो यू विल सी इफ़ आई क्लिक ऑन विंडोज़ तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है अरेंज का एंड इन दिस वी हैव दिस कंसॉलिडेट ऑल टू टैब तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अपने आप ये सारी टैब में आ जाएंगी फाइन अगर आपके पास बहुत सारी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ओपन है डिफरेंट टैब्स में एंड आपको एक के बाद एक पे उसको ट्रांसफर करना है मीन्स आप एक टैब से दूसरे टैब पर जाना चाहते हो तो नॉट ओनली यू कैन क्लिक ओवर है बट ऑल्सो यू कैन यूज़ द की बोर्ड शॉर्टकट दैट इज़ कंट्रोल प्लस टैप सो इफ आई क्लिक ऑन कंट्रोल एंड देन टैप तो आप देखोगे यहाँ पे मैं डिफरेंट इमेज में मूव कर सकती विदाउट यूजिंग माई माउस की बोर्ड की हेल्प से मैं इनके बीच में एक से एक इमेज से दूसरी इमेज पर मूव कर सकती हूँ फाइन सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग अगर आपको कोई विंडो को क्लोज करना है जैसे यहाँ पर मेरे तीन इमेज हैं एंड लेट्स सपोज मुझे ये वाली इमेज जो है इसको क्लोज करना है सो so, उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस आता है आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी ऑल्सो अगर आपने कोई भी इमेज में चेंज किया होगा तो वो आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको वो चेंज सेव करना है या नहीं फाइन ऑल्सो जो आपकी एक्टिव विंडो है जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये विंडो एक्टिव है फाइ क्लिक एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है क्लोज का तो मैं यहाँ से भी उसको क्लोज कर सकती हूँ या फिर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकती हूँ दैट इज कंट्रोल डब अगर मेरे पास बहुत सारी विंडो ओपन है मुझे सबको क्लोज करना है तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन क्लोज ऑल इससे आपके पास जितनी भी विंडोज़ ओपन होंगी सारी एक साथ क्लोज हो जाएंगी वी विल बी वर्किंग विथ टैब विंडोज सो इट्स इज बेटर कि हम उस इन्वायरमेंट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। सो दिस इज मानसी फ्रॉम ई विद्यार्थी डॉट सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर एंड बाय